जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने आज बांदीपोरा के मलंगम इलाके में सैयद गुलाम रसूल शाह की दरगाह पर दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य पूरी तरह से धर्मस्थल के प्रति सम्मान था, न कि कोई राजनीतिक लाभ। मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने पार्टी के भीतर आंतरिक अशांति के बारे में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि सदस्यों का आना जाना सामान्य बात है। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, जबकि दो वफादार रहेंगे, वे हमारे साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे पुष्टि की कि पार्टी जब भी आवश्यक होगी चुनाव में भाग लेगी और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। बुखारी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज हम यहाँ हाजिरी देने आए थे, इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, बिल्कुल हाजिरी देने आए थे। कश्मीर के अमन अमान के लिए दुआ की, लोगों के सेहत याबी के लिए दुआ की, फसलों की हमारे फसलों की निगाहबानी अल्लाह करे उसके लिए दुआ की, और अपनी जमात के लिए दुआ की। उम्मीद है कि इलेक्शन अनाउंस होंगे और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शंस का, बड़ी बेताबी से इलेक्शन का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलता रहता है बेटा, लोग आते हैं लोग जाते हैं, मकसद सियासत का है लोगों की खिदमत करना। कुछ लोगों को लगता है कि इस जमात में काम दूसरी जमात में ज़्यादा कर सकते हैं, करना उनको भी लोगों की खिदमत है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। ऐसा कोई नहीं होता है कि नहीं साहब कल जो साथी था आज वो हमारा कोई विरोधी है, साथ ही रहते हैं, हम सब इसी फील्ड में हैं। पॉलिटिकल महाज डिफरेंट होते हैं, लेकिन देखिए अल्लाह के सामने जाके चेहरा एक ही होना चाहिए। मैं उस चेहरे के लिए काम करता हूँ कि अल्लाह के सामने जो खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह हमारी जमात अच्छा प्रदर्शन करेगी।